फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल रूल्स, वर्ल्ड न्यूज और हमला सामना मीडिया नेटवर्क में आप सभी दोस्तों का स्वागत है, इस्तकबाल है। आज हमारे साथ मौजूद है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी सी एच अब्दुल रहमान साहब। हमने यहाँ पर उन्हें इसलिए इन्वाइट किया, इसलिए मौजूद किया है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने महाराष्ट्र में ऑनलाइन हंगामी एक तरह से मीटिंग लेकर मुस्लिम लीग के 6 अपराध को पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया, उन्हें बाहर कर दिया गया है। कहते हैं कि बड़े बेआबरू होके तेरे पूछे से निकले और बड़े बेआबरू होके ये लोग मुस्लिम लीग से निकल गए। इन्हीं सवालों को लेकर हम सीएच अब्दुल रहमान साहब के साथ गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे, जानेंगे आखिर ऐसी क्या बात है। सीएच अब्दुल रहमान साहब, हमला सामना मीडिया में और फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल में और वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। उनके कुछ तीन तो जो है रियासती सदर है आपके, समीउल्लाह अंसारी अमरावती से मुस्लिम लीग के रियासती सदर और साबिक कारपोरेटर अल्ताफ अहमद, और दूसरे है मुंबई से अहमद खालिद इमरान अशरफी से जो है इमरान अशरफी। इमरान अशरफी वो आप बताएंगे कौन कौन लोग हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अभी कॉर्पोरेशन इलेक्शन जो है बहुत अनकरीब है और पार्टी में इस तरह की उठा पटक और अफरा तफरी का जो माहौल है, आखिर इसकी क्या वजूहत है, ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा आपको? देखिए, कोई भी तंजीम को आगे बढ़ने के लिए डिसिप्लिन, चाहे किसी का दर्द हो, कोई बिजनेस हो या पॉलिटिकल पार्टी को, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और कई अरसों से जो है आपको पता है कि महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम लीग बड़े जोश पे थे, दो एमएलए 14 कॉर्पोरेटर्स और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जो है कॉर्पोरेशन में मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे। कुछ वजह की वजह से जो इसी इनडिसिप्लिन की वजह से जो है पार्टी यहाँ पर कमजोर हो गया, और कुछ अरसों से मैं खुद बहुत ही जद्दोजहद कर रहा हूँ, सबको पता है। इसीलिए हमने सोचा कि अब वक्त बहुत हो चुका, बहुत क्रेज हो चुका, अब जो है इनडिसिप्लिन से जो भी पार्टी में बिहेव करेगा उनके तरफ से डिसिप्लिन रिएक्शन आना चाहिए। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो डिसिप्लिन रिएक्शन हम लोग ले सकते हमने लिया और हमने नेशनल कमिटी को रिकमेंड कर दिया है, क्योंकि ये पार्टी में स्मूथनेस और लोगों में जो भरोसा जो लोगों में लाना है, इसके लिए अभी जो है जैसा कि अभी यूपी में भी डिसिप्लिन रिएक्शन हुआ, एक नेशनल सेक्रेटरी को जो है पार्टी से निकाल दिया गया और पूरा और भी एक शख्स जो है उनको भी पार्टी से जो है एक्सपेल कर दिया, हमने सस्पेंड किया। तो जिस तरह से जो खबरों के मुताबिक इनकी क्या मतलब आखिर ऐसी क्या बात, इनकी क्या जुर्म था, इनका क्या इन्होंने किया पार्टी के खिलाफ? इनका एंटी पार्टी एक्टिविटीज था और नेशनल हमारी हाईकमान जो है हाईकमान ने ये पूरे यहाँ के माहौल को हालात को समझते हुए नया कमेटी तश्कील किया और इलेक्शन कमीशन में अपडेशन कर दिया। हमारे जो रजिस्टर्ड पार्टी है, हमारे नेशनल सिंबल है और ऑफिशियली सब कुछ हो गया, और उस कमेटी के खिलाफ ये लोगों ने जो है बगावत करके मतलब सेफ कमेटी का या फिर नेशनल कमेटी का कोई भी अथॉरिटी का बगैर ये लोगों ने मीटिंग किए, और ये लोग बार बार जो है मुसलसल जो है अखबारों में कोई प्रेसिडेंट का नाम से हमारा सब प्रेसिडेंट करके हमेशा ये लोगों में लोगों को गुमराह करने के हिसाब से जो है लोग स्टेटमेंट्स भी जारी करते थे जो कहीं ना कहीं पार्टी के ग्रोथ के लिए बहुत ही मुश्किल पैदा कर रहे थे। इसलिए हमने अभी तो हद हो गया कि ये लोगों ने हमारे पार्टी का नाम, इंडियन यूनिवर्सिटी का नाम, हमारे नेशनल लीडर्स का फोटोग्राफ, ये सब इस्तेमाल करके ये लोगों ने सोशल मीडिया में ये जाहिर किया कि नेशनल कमेटी की इजाजत से और उनके परमिशन से ये मीटिंग ये लोग बुला रहे हैं, ऐसा सर्कुलेशन करके, क्योंकि सोशल मीडिया इज अ वास्ट एरिया ऑफ मीडिया नाउ, हर जगह पहुंचना मुश्किल है। तो फिर भी जो है कुछ लोगों को ये लोग बुलाने में कामयाब हुआ, वहां के लिए लोगों ने नया मतलब कमेटी बना दिया। जब हमें ये पता चला तो हमने एडीजीपी को लेकर दिया, नेशनल कमेटी से बात किया, बोला कि आप यू आर द अथॉरिटी ऑथोराइज पार्टी है महाराष्ट्र, आप जो अपने हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। हमने नेशनल कमेटी गाइडलाइंस के हिसाब से हमने एडीजीपी
एडीजीपी को हमने लेटर दिया, एडीजीपी ने तुरंत जो है अमरावती रेंज में कॉन्टेक्ट किया, वहां पर जो है जो एरिया पुलिस स्टेशन में हो रहा था वहां पर इंफॉर्मेशन किया गया, वहां के ऑफिसर से बात किया गया, उन्होंने तुरंत उनको नोटिस जारी किया इमरान अशरफ खुद के प्रेसिडेंट, और बताया गया कि आपको ये मीटिंग करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए आप नहीं कर सकते, अगर आपने किया कुछ सिचुएशन हो तो आप उसका जिम्मेदार है, और हमारे उसके बावजूद भी लोग करने की कोशिश, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट असलम खान उल्ला साहब और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इमरान अली कुरैशी साहब जो है 200 किलोमीटर दूर से वहां पर पहुंचे, वहां पर ऑफिसर कमिश्नर से बात करके इनके बाद इनके ऊपर जो है FIR दर्ज करने के लिए वहां बैठ गए। ऑफिसर थोड़ा आनाकानी कर रहा था, बात ये लोग निकल गए तो वापस हमने कमिश्नर वगैरह से बात करके ऑफिसर ने खुद इनको फोन करके बुलाया, बोले कहा भाई ये FIR दर्ज करवा दो आप मुझे ऊपर से, मतलब ये जाने के बाद में तकरीबन 12-1 बजे तक वहां बैठे FIR दर्ज करते, वापस वो लोग ने नया अपना इस्तेमाल किया, बोला कि हम माफीनामा लिख के दे रहे हैं, माफीनामा लिख के दे रहे हैं और हम ये भी लिख के देंगे कि हम मीटिंग नहीं करें, अगर वो लोग सही थे तो ये चीज करने की जरूरत नहीं थे, ये अगर वो सही थे कोई भी हिसाब से उनके पास भी अथॉरिटी थे तो उनको करने का जरूरत नहीं था, माफीनामा लिखने की जरूरत नहीं हो, वो सीना तान के बोल सकते थे कि हम लोग हम करेंगे हमारे हक पे है करके। जब माफीनामा बाकायदा लिख के भेजा गया तो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट उन लोगों ने ऑफिसर के एश्योरेंस से वो वापस आ गया, FIR दर्ज नहीं करवाया। लेकिन दूसरा दिन ये पता चला कि अमरावती से 30 किलोमीटर दूर कोई रेलवे स्टेशन के पास लोग जाकर कोई पी एन बार के करीब जाकर के उसके आजू के हॉल में लोग ने ये मीटिंग किया। फोटोग्राफ आने के बाद में फिर मैंने कमिश्नर से बात किया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे हमारे कंप्लेन का कॉपी और ये लोग ने जो माफीनामा लिखा उसका कॉपी भी मुझे फॉरवर्ड किया कि देखिए ये लोग ने ऐसा माफीनामा लिख के दिया, उनके ऊपर जरूर एक्शन होगा बिकॉज दे हैव वायलेटेड द लॉ, ठीक है आप अपने आदमी भेज दिए। दोबारा हमारे लोग जाकर के वहां पर FIR वो जो पुलिस स्टेशन था वो निकाला, वहां पर FIR दर्ज किया, ये हकीकत। और वो पेपर्स जो है कमिश्नर से मुझे जो पेपर्स भेजा वो मेरे पास है जी। मैं अब्दुल खान साहब ये पूछना चाहता हूँ कि जो जिन लोगों ने माफीनामा लिखा या उनको अभी मुअत्तल किया गया पार्टी से निकाला गया, आप बताइए वो कौन कौन लोग हैं, क्या ओहदों पे थे वो? वो एक तो MA खालिद है जो खुद हमारे अभी जो फिलहाल कमेटी है उसका वाइस प्रेसिडेंट है, पहले से जो है कई मरतबा प्रॉब्लम्स हुआ है लेकिन जो है फिर वापस लोगों को साथ में लेके चलने का एक कोशिश के हिसाब से वापस जो नए कमेटी बन रहे थे उनका भी नाम दिया गया वाइस प्रेसिडेंट इस कमेटी में, और मिस्टर समीउल्लाह अंसारी जो है वो साबिक सदर है, मालेगांव में रहते हैं, बहुत साल से मुस्लिम लीग में है, मैं उनका बहुत इज्जत करता हूँ। और दूसरा जो है मिस्टर सईद अफसर अली है जो हमारे से पहला जो प्रेसिडेंट था अफसर अली और महाराष्ट्र जी, अताफ अहमद जो है उनके कमेटी में जनरल सेक्रेटरी था जो नांदेड़ से है जी, और इमरान अशरफी जो है एक्स कॉर्पोरेटर है और फिलहाल जो है ये हरकत करते वक्त जो है मुस्लिम यूथ लीग का स्टेट प्रेसिडेंट था, और दूसरा एक जो है मिस्टर टी ए खालिद है जो केरला से वापस आए है, और जो है उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है मुस्लिम लीग का, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, फिर भी जो है कुछ वजुहत से जो है इनके साथ में मिला हुआ है ये। और अभी अभी हमने समीउल्लाह अंसारी साहब जो है बहुत पुराने इंसान है जी, और जब मैं अभी अभी हम लोगों ने मालेगांव में नया कमेटी तश्कील किया, वहां के होनहार नौजवान जो है नौजवानों को जो है वहां का लेकर कमेटी बनाया, सब पूरे पढ़े लिखे दबके हैं, उन्होंने हमें तलाश करके बॉम्बे आया, अगर मालेगांव में अगर पार्टी था समीउल्लाह अंसारी साहब वहां पर पार्टी को चला रहे होते या कुछ भी हरकत कर रहे होते तो नौजवान को बॉम्बे में तलाश करके आने की जरूरत नहीं थी। मैंने बाकायदा वहां पर ऑटो रिक्शा में बैठ करके लोगों से सवाल किया, लोगों ऑटो रिक्शा जैसा कि मैं कोई नहीं हूँ हिसाब से बात किया कि यहाँ पर मुस्लिम लीग क्या हालत, उन्होंने बोला यहाँ मुस्लिम लीग का कुछ नहीं चल रहा है, 10-15 साल से यहाँ कोई कमेटी नहीं है कुछ नहीं है, और समीउल्लाह अंसारी साहब वो कुछ कर नहीं पा रहे। जब पार्टी में हर पार्टी के अंदर हमेशा होता है कि नए नए बनता है जो काम करते हो तो काम करके आगे बढ़ते हैं, तो जो पुराने लोग हैं अगर पार्टी को चाहने वाले लोग हैं तो उनको पार्टी का डिसिप्लिन को और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए साथ देना चाहिए, ना कि इस किस्म के जो है, खास करके जब हम लोग कॉर्पोरेशन इलेक्शन को सामना करने जा रहा है और हमारे जो है
प्रोसेस हुआ है, तो ऐसे हालात में पार्टी कैडर को और जो है आम नागरिकों को गुमराह करने के हिसाब से बार बार अखबार में ये बयान देना कि मैं अभी भी ये हूँ या हमारा ये नहीं हुआ, हम जो भी स्टेट अप्रूव कमेटी जो भी काम कर रहा है उसमें बाधा डालने के हिसाब से जो है अलग अलग काम किया जा रहे हैं। जी जी, मैं ये इसका मतलब ये है अब्दुलमान साहब, ये इन हजरात में जिनको मुअत्तल किया गया है जो आपके 6-7 नाम बताए है, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं ये खुद साथ में लीडर बने हुए थे और एक पैरेलल बॉडी मुस्लिम लीग की चला रही थी, ये चलाना चाहते थे। डेफिनेटली ये क्या है कि मुस्लिम लीग आपको पता है 1952 से लेकर मुस्लिम लीग है, हमारी कोशिश ये रहा है कि मुस्लिम लीग को वापस वो जो उरूज था मुस्लिम लीग का महाराष्ट्र में, बॉम्बे के अंदर दो कॉर्पोरेटर दो एमएलए चला कॉर्पोरेटर, मतलब महाराष्ट्र का अलग अलग कॉर्पोरेशन में डिप्यूटी मेयर तक रह चुका है, वो कोशिश जब भी हम लोग करते हैं जैसा ही पार्टी उरूज में आते इस किस्म का हरकतें शुरू होता है। ये आजकल से नहीं है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनकी क्या जाति मफादात है, क्या ये अपनी खुद की तशहीर चाहते हैं, इनके कुछ जाति मफादात है इनके? देखिए इसके बारे में मैं कंकरेंटली अगर इसमें कुछ बोलना वो मेरे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये मुस्लिम लीग को उभरने नहीं दिया जा रहा है, क्या और क्या क्या वजह है ये मैं नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को उभरने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम लीग अगर उभरते हैं तो दूसरे पार्टियों को तकलीफ होता है डेफिनेटली। जी, एक खबर और है हमारे पास आज की तारीख में एक एक अखिलियत के हिसाब से एक पार्टी तो इतने सालों से अगर दूसरे सियासी पार्टियों का अगर बात किया जाए कम्युनिटी से और अखिलियतों से जो माइनॉरिटी से जो वादा किया है हमने केरला में करके दिखाया है, और मुझे मेरे हिसाब से मुझे कुछ सामने कुछ नजर नहीं आ रहा, दिन ब दिन जो है कम्युनिटी को अटैक किया जा रहा है, कहीं धर्म संसद हो रहा है, कहीं दूसरा कुछ फॉलो हो रहा है, वो अलग इशू है, उसके बात नहीं करते, वो सब सारे अलग इशू है। अभी हम बात करते हैं मुस्लिम लीग का जो कैडर है वो एक तरह से पहले बहुत मजबूत था और कई सालों से लगातार जो है वो कमजोर नजर आता है, इस पर हम बात करते हैं जो मुअत्तल किए गए लोग है उनको क्यों मुअत्तल किया गया, क्योंकि इनकी भी तो कहने का कुर्बानियां रही होगी मुस्लिम लीग के लिए, मुस्लिम लीग के पुराने लोग हैं आप जैसे बता रहे हैं, तो आप ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं क्या है, ये पार्टी मुखालिफ काम भी कर रहे थे और साथ साथ पूरी मिल्लत को भी गुमराह कर रहे थे? मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनका कुर्बानियां नहीं थे, बल्कि सम्यवला अंसारी साहब का वगैरह कुर्बानियां रहा है उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब वक्त गुजरता है जब जो है हर चीजों में तब्दीली आता है, उम्र भी होता है इंसान का, तो समझदार लोगों को और काबिल लोगों को ये होना चाहिए कि जो लोग पार्टी को आगे लेके जा रहे हैं उनको ले जाना ही देना चाहिए, क्योंकि ये किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये जो है सोसाइटी और कौम की मिलकियत है, ये पार्टी एक पैगाम एक तहरीक है उसको चलाने देना चाहिए, बना के उसमें रुकावट पैदा करना चाहिए। मैं किसी के पुराने लोगों का अगर किसी का अगर कुर्बानी है उसको मैं नाकाम नहीं रहा हूँ, हम उनके बहुत इज्जत भी बोल रहा हूँ, मैं बहुत इज्जत करता हूँ सुनील गांधी साहब का, लेकिन अभी अभी जो एफआईआर दर्ज की गई है ये कब की गई है, कौन सी तारीख को? ये 26 को तो वो लोग 25th को जो हमारे लोग वहां पर गए तो वो लोग ने माफीनामा लिख के दिया सैयद अफर अली साहब ने कि हम मीटिंग नहीं करेंगे करके, 27 को वापस हमारे लोग जाकर के वहां पर एफआईआर कर, अभी पिछले महीने 25 दिसंबर 2021 को हमारे लोग वहां पर गए थे, 26 का मीटिंग होने वाला था और जो है उस वक्त इन्होंने माफीनामा लिख के देने की वजह से वो लोग वापस आ गए भरोसा करके, लेकिन दोबारा उससे 26 तारीख को लोग ने अमरावती से 30 किलोमीटर बाहर जाकर के उन लोगों ने मीटिंग किया। जी आपको बताया जी, दूसरे दिन जो है दूसरे मतलब 27 तारीख को जो है हमारे लोग एफआईआर करने के लिए दोबारा वहां पहुंच गया। जी अच्छा, तो एफआईआर हुआ, पुलिस ने एफआईआर लिया? जी जी एफआईआर, मुझे जो हिसाब से इतना एफआईआर का असर क्या होगा, क्या लगता है इनकी गिरफ्तारी होगी क्या होगा? ये देखिए इसमें मकसद जो है गिरफ्तार कराना या कुछ कराना नहीं है, एक प्रोसेस ये है कि जब इलीगली कोई चीज होता है उसको कानून में प्रोसेस होता है, प्रोसेस के हिसाब से हमने एफआईआर करवा दिया है, क्योंकि ये इलीगल था ना, नेशनल कमेटी को पता है ना, नेशनल कमेटी का अथॉरिटी था ना, स्टेट कमेटी का कंसर्न दिया, एफआईआर में तो गिरफ्तारी होती है ना, बाकायदा जमानत पे रिहा होना पड़ता है,
ये तो या कंप्लेंट ली गई होगी एनसी जिसको बोलते हैं, एफ आई आर किया गया है ऑफिसर से, मेरी दोबारा बात नहीं हुआ। मैं आपको उसके बारे में जो है मेरे प्रेसिडेंट और जो अमरावती खरीब है उनसे बात करके उसके बारे में आपको बताऊँ जी। हमारे साथ फाइल अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज के शोएब मियानूर भी है और साथ में शाहिन पटेल भी जो है ऑपरेट कर रही है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मैं शोएब मियानूर से कहूंगा कि अगर कोई सवाल है तो अब्दुल रहमान साहब से। सर आगे की रणनीतियां किस तरह से मुस्लिम लीग पार्टी करेगी इन लोगों के खिलाफ? देखिए हमें वक्त जाया नहीं करना है, हमने हमारा काम कर दिया है, हमने इनको सस्पेंड करके एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से यूनानिमसली डिसीजन लेकर सस्पेंड करके हमने इनको जो है वो खबर भी इन तक पहुंचा दिया है और हमने नेशनल कमेटी को इतला कर दिया है। अब जो है नेशनल कमेटी फाइनल करेंगे इनके साथ क्या करना है क्या नहीं करना। हम लोग किसी को जो है किसी के साथ मजास्ती नहीं करना चाहता है, हम लोग ये चाहता है कि हमें अपना काम करने दिया जाए और जो है जिसको इंटरेस्ट है पार्टी पार्टी में रहने का वो ओबीडियंस के हिसाब से डिसिप्लिन के साथ उनको रहना पड़ेगा। किस तरीके से काम आइंदा कोई भी हिसाब से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मुस्लिम लीग का ग्रोथ में बाधा डालने वाले किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे पार्टी के अंदर। एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल हम जो है इनके ऊपर ये एक्शन के हिसाब से हम लोगों को बताना चाहते हैं और इसी तरीके से पार्टी में डिसिप्लिन है, इसीलिए केरला में पार्टी में ग्रोथ है, तमिलनाडु में केरला में ग्रोथ पार्टी में ग्रोथ है, यहाँ पर डिसिप्लिन नहीं है, जिसको जो मर्जी अवॉइड कर रहा है वो अभी नहीं होगा इंशाल्लाह जी। और एक चीज मैं खुद भी आपसे कुछ पूछना चाह रहा था राशिद अजीज साहब, जो एम ए खालिद साहब जो है उनका मुसलसल जो है अखबार में न्यूज आते रहते हैं ऑल इंडिया मिली काउंसिल की तरफ से, ऑल इंडिया मिली काउंसिल के वो ऑफिस बेरर है जी। मिली काउंसिल का जिक्र किया आपने, बात तो चल रही है अभी इस तरफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की, लेकिन खैर मुस्लिम मिली काउंसिल की आपने जहां तक बात की है बाय शायद मुंबई सदर के, मैं इस पे बहुत ही ठोस जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये जरूर है जो सही बात है कि एम ए खालिद साहब जो है वो किसी जमाने में ऑल इंडिया मिली काउंसिल महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे कुछ साल पहले, लेकिन इस वक्त जो है ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल महाराष्ट्र के जो सदर है मौलाना सैयद हाफिज अत्तर अली साहब है जो बहुत बड़ी शख्सियत है माशाल्लाह, उसी तरह एक महाराष्ट्र के बहुत बड़ा नाम है सोशल एक्टिविस्ट है हमारे मिल्ली काउंसिल के नेशनल कमेटी के बीच में सारे जनाब निजामुद्दीन शेख साहब जो की महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी है, लेकिन ये एम ए खालिद जो है आज भी मिल्ली काउंसिल के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने आप को जनरल सेक्रेटरी बताते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारी मिल्ली समाजी तंजीमों को भी लगता शायद मैसेज नहीं पहुंचा या वो नहीं जानते कि एम ए खालिद इस वक्त किसी भी यूनिट के जिम्मेदार नहीं है ना किसी ओहदे पर है, और ये बार बार लोगों से कहा भी गया। कुछ हमारे अखबार के भी जो है लोग हैं जो उनको मिल्ली काउंसिल का बताते हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि आखिर पता नहीं इन साहबियों के और एम ए खालिद के क्या रिलेशन है, इनके अपने मफादात क्या है, वो जानते पूछते भी ये महाराष्ट्र में इनका कोई ओहदा नहीं है मिल्ली काउंसिल में इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी उनको उनका बयान वगैरह छपता है, तो ये किस तरह का लेन देन है अब मैं कुछ कह नहीं सकता, ये बड़े अफसोस की बात है। ये मिसलीडिंग नहीं है, मफाद के लिए अपने मफाद के लिए लोग जो है चाहे वो इंडियन मुस्लिम लीग का इस्तेमाल करे चाहे मिल्ली काउंसिल का इस्तेमाल करे ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का, ये गलत बात है, लेकिन उतने ही जिम्मेदार वो लोग भी है तंजीमें भी हैं जो लोग उनको इस तरह के मफाद पर राजसी को जो है जगह देते हैं बिठाते हैं, आखिर इनके अपने मफादात क्या हमने कैसे। इसी इस मैं आपसे ये सवाल इसलिए किया कि मैं चाहता हूँ कि जो लोग मुस्लिम लीग में है मुस्लिम से जुड़ा हुआ है मुस्लिम लीग ऑफिस में से वो लोग हर चीज के लिए पॉलिटिकल काम के लिए सोशल काम के लिए मुस्लिम लीग का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें, बार बार जो है अदल बदल वो प्लेटफॉर्म ये हमारे पे नेशनल प्रेसिडेंट जो गुजर गए अहमद साहब उनके सामने एक प्रोग्राम बकोला में हुआ था बॉम्बे के बकोला में जिसमें बाकायदा प्रॉब्लम्स हुआ था, उस वक्त उन्होंने क्लियरली कह दिया था वहां पर कि दिल्ली काउंसिल में जो है जो जो उस तरफ है वो जिसमें भी है उसमें रहे और मुस्लिम लीग में है तो मुस्लिम लीग में रहे। मैंने जानबूझ कर आपसे ये सवाल किया क्योंकि इस तरीके से अलग अलग जगहों पर अपने अपनी मतलब वक्त के हिसाब से तंजीम का इस्तेमाल करना अलग अलग तंजीम का इस्तेमाल ये सही नहीं है, और जो
जिम्मेदार लोगों का, जिम्मेदार लोगों का बिल्कुल ये काम नहीं है। जैसा आपने आपने शिकायत की या आपने बात रखी, मुंबई शहर में बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो महाराष्ट्र की जनरल सेक्रेटरी तो हम पढ़ते हैं, निजामुद्दीन शेख साहब है और महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज सईद अतरेली साहब है, तो ये मिल्ली कौंसल के साथ उसका नाम कैसे आता है, आप उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? तो मैं अब्दुल रहमान साहब उनसे यही कहता हूँ कि भाई मैं मामूली सा मुंबई का सदर, मेरी कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं है, थोड़ा सा जिम्मेदार हूँ मैं, मिल्ली कौंसल का एक खादिम हूँ मैं, ये जिम्मेदारी महाराष्ट्र के सदर की बनती है, जनरल सेक्रेटरी की बनती है और ऑर्डिनरी मिल्ली कौंसल के जो हमारे नेशनल जिम्मेदार है उनकी बनती है, उनको एक्शन लेना चाहिए। कहते हैं कि एक्शन लेंगे, अब देखते हैं कि क्या एक्शन लेंगे। वो मौलाना अतर अली साहब की जिम्मेदारी बनती है, हमारे सरफराज आतू साहब है जो जानते हैं अच्छी तरह से, पूरे हालात से वाकिफ है, वो हमारी मरकजी जिम्मेदारों में से हमारे बुनियादी नंबर है, वो अहम जिम्मेदार है, वो सब जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों क्या वजह है। मैं आपके माध्यम से आपके जरिए महाराष्ट्र के आवाम से ये कहना चाहता हूँ, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बहुत ही जिम्मेदार और डिसिप्लिन्ड पार्टी है और जो भी अहदेदार अभी है हमारे प्रेसिडेंट असलम खान मुल्ला नागपुर के एक्स कॉर्पोरेटर हैं, उन्होंने वहां पर 1700 बच्चे पढ़ने वाले इंग्लिश मीडियम स्कूल बनवाया कॉर्पोरेशन की तरफ से उनकी जद्दोजहद से गुलाम महमूद बना द्वारा साहब के नाम से, आज बच्चे इतने सारे बच्चे वहां पर फ्री में पढ़ते हैं। मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र के कोई पॉलिटिकल लीडर इतना मतलब सोशल से जुड़ा लोगों के फायदा करने वाला काम नहीं किया महाराष्ट्र में। एक मैं आपको कुछ बातें कंप्लीट करना चाहता हूँ, इसलिए इंडियन मुस्लिम लीग एक बहुत ही जिम्मेदार पार्टी है और ये अवाम का खिदमत करना चाहता है और अवाम का सही में खिदमत मतलब तिजारत हम लोग नहीं करना चाहते। इस पार्टी के जरिए एक खिदमत खल के हिसाब से एक पहलो तरीके से हम लोग एक फी सबीलिल्लाह ये काम किया, इससे हमारे कोई पर्सनल गेन्स के बारे में हमें कोई सोच भी नहीं, हम सोचते भी नहीं ना इंतखाब में भी नहीं सोचते, इसलिए आप सबके इसमें हमेशा ताउन चाहिए, आपके मदद चाहिए इसको आगे ले जाने के लिए, कौन की बराबर के लिए मेरा ये रिक्वेस्ट है। जी हम इंशाल्लाह बिल्कुल, हम ये भी जानते हैं कि मुस्लिम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में आइंदा आने वाले चुनाव में इलेक्शन के लिए जो है वंचित बहुजन आघाड़ी और राष्ट्रीय जनता दल से भी अलायंस किया है और एक तरह से ग्रुप बनाया है और ये गठन किया है, इसमें हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे बाद में, अगली बार इंशाल्लाह आपसे इलेक्शन से कुछ पहले, कि इस जो आप लोगों ने जो ये ग्रुप आपस में तालमेल किया है या एक तरह से जो अलायंस हुआ है इस पर आप लोग किस तरह काम करें, मुस्लिम लोग क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे? आप इंशाल्लाह दोबारा जब भी वक्त रहेगा और जैसा ऐसा हमारे काम जो है प्रोग्रेस करेंगे इंशाल्लाह वी विल शेयर द इंफॉर्मेशन विद यू डेफिनेटली। जाते जाते बताइए अलायंस कॉर्पोरेशन के लिए है या असेंबली के लिए, थोड़ा सा मुख्तसर। अभी फिलहाल ये कॉर्पोरेशन के लिए है, उनका अलायंस एमआईएम के साथ में था, एमआईएम के साथ में इस बार उन्होंने प्रकाश अम्बेडकर साहब ने बहुत ही क्लियर कर लिया कि उनके साथ में कोई किस्म का अलायंस ये कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के लिए नहीं होगा और सियासत में जो है कोई परमानेंट दुश्मनी किसी के साथ नहीं रहते, उनका ये कहना था। तो आगे के बारे में सोचेंगे, कोई दोस्त नहीं कोई दुश्मन नहीं, दुश्मन नहीं कोई दुश्मन नहीं, तो हिसाब से वो तो फाइनली प्रकाश अम्बेडकर साहब को जो है वो फाइनल करेंगे, मैंने सिर्फ उन्होंने क्यों कहा आपके सामने रख दिया, बाकी फाइनल अथॉरिटी तो उनका खुद का है, ही विल फॉलो। राष्ट्रीय जनता दल, जी जी राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल बिहार के लोग बहुत है, बॉम्बे का बिहार के लोग है और तेजस्वी आज बहुत जवान नौजवान और बहुत ही डायनामिक लीडर है। कार्पोरेशन में यहाँ पर तेजस्वी यादव आएंगे? डेफिनेटली हमसे यही कहा गया कि तेजस्वी यादव जरूर आएंगे, जरूर आएंगे यहाँ। जहाँ 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 इसमें जीतने की उम्मीद होगी वहां वहां बातचीत करके पार्लियामेंट्री बोर्ड के मतलब परमिशन से उम्मीदवार उतारा जाए। पहले बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान साहब, आमना सामने मीडिया से बात करने के लिए, वर्ल्ड न्यूज से बात करने के लिए और फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
आपका भी राशि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया और ये खबर लोगों तक पहुंचाने में मुझे मेरी मदद किया। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।